तो स्वागत है आप लोगों को एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ डिजिटेक DTR 200 MT की। और दोस्तों एक और बात बता दूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और इस वीडियो को मैं पूरी डिटेल में बनाऊँगा, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ट्राईपोड की जो बॉक्स है वो कुछ इस प्रकार की है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अभी इसको ओपन करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोगों को मोबाइल होल्डर मिल जाता है, देन हम लोगों को हमारा जो मेन ट्राईपोड है वो हम लोगों को मिल जाता है। तो चलिए इसकी खूबसूरती उखाड़ते हैं प्लास्टिक निकाल के। तो ट्राईपोड है कुछ इस प्रकार का, और अभी इस मोबाइल होल्डर को प्लास्टिक से निकालते चलिए। और इस मोबाइल होल्डर को मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं बोलूँगा, नॉर्मल सा है। तो दोस्तों इस ट्राईपोड की बात किया जाए तो ये देख सकते हैं आप, ब्लैक एंड रेड कलर में आता है और इधर डिजिटेक का लोगो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक मोबाइल होल्डर दिख जाता है। तो इस मोबाइल होल्डर की जो प्राइस है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आप लोगों को ये मोबाइल होल्डर सेम टाइप की 150 से देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो आप लोग साउंड सुन सकते हैं माइक पे, कुछ स्प्रिंग टाइप का थोड़ा थोड़ा आवाज़ आती है, लेकिन ठीक ठाक है। उसके बाद इस मोबाइल होल्डर को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, ऐसे एक लंबी तरीके से लगा सकते हो और पीछे देख सकते हैं एक होल है, इसको आप चाहे तो खुल के इसको आप चाहते तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ इस टाइप का शॉट होता है ना, आगे कोई दौड़ के जाता है और ऐसे जाता है, तो इस टाइप का शॉट आप इससे ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाए तो हम लोग को नीचे इधर एक बॉल हेड मिल जाता है। इसकी मटेरियल एलुमिनियम यूज़ करा गया है, बाकी सब प्लास्टिक है। तो आप लोगों को इधर एक 1.4 इंच की जो स्क्रू मिल जाता है इसको ढीला करना है, तो देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। और आप इसको चाहते हो तो लैंडस्केप मोड पर भी यूज़ कर सकते हो, और आप अपनी हिसाब से इसको एडजस्ट करके कोई भी एंगल में मोड़ के आप लोग वीडियो बना सकते हो। देख सकते हो कि ऐसे एंगल में हो जा रहा है, तो मैं इसको अपने हिसाब से टाइट कर देता हूँ। देन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी लेग की जो ये रेड कलर का एक जो लाइन दिख रहा है कुछ साउंड करती है, देख सकते हैं। तो इसको इसका क्या यूज़ है, तो मैं बता दूँ कि ये देख सकते हैं कुछ इतना आया। तो मैं अगर आपको ये इधर लेके आओ तो देख सकते हैं कि इधर ये लॉक हो गया, इससे बाहर नहीं निकल रहा, और पहले ऐसा था इतना बाहर आया, और ये कर देंगे तो वैसा नहीं होगा। उसके बाद और भी घूमता है और देख सकते इधर आ गया, तो इधर देख सकते कि इधर अगर हमने किया तो कुछ इतना आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गया, पहला वाला जो था ऐसा इतना आएगा। तो आप इसको टेबल में ऐसे रख सकते हो। उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है थ्री लेग बेस, देख सकते हैं। तो इन जो थ्री लेग बेस है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे, ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना है और धीरे से निकाल देना है, तो इसको आप 6 सेंटीमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। फिर से इसको ऊपर लाने के लिए सेम तरीका है, इसको प्रेस करके ऊपर लाना है, बस छोड़ देना है, बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों देन हम लोगों को नीचे रबर ग्रिप मिल जाता है, ये हम लोगों को एक्स्ट्रा सॉलिड ग्रिप प्रोवाइड करता है। इससे आप अगर चाहते हो कि टेबल वगैरह में आप अगर इसको रख के शूट करना चाहते हो या गाड़ी के ऊपर शूट करना चाहते हो, तो एक क्या होगा कि स्लिप नहीं होगा, एक सही जगह पे होल्ड करके ये आपकी बेहतर शॉट्स निकाल सकता है, इसके लिए ये रबर का ग्रिप दिया गया है। और दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग हाइट है ये 7.87 इंच की है। और दोस्तों एक बात बता दूँ कि ये हम लोगों को 400 रुपीज़ में मिल जाता है, मुझको तो 400 रुपीज़ में मिला था। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो 5 में मैं इसको 4 रेटिंग दूंगा, और ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप लोग इसे परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और दोस्तों खास बात, आप अगर यूट्यूबर हो, आप अगर ब्लॉगिंग करते हो, मेनली इसका मेन काम है ब्लॉगिंग करना, मैं तो ब्लॉगिंग नहीं करता, सोच रहा हूँ कि खोल दूँ चैनल न्यू, तो मेरा बस वीडियो का कुछ काम होता है छोटा मोटा, तो उसके लिए ही जस्ट इसको ले लिया, तो ऐसा कुछ सीन है। तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हो, परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और गाइस वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।